साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी हमें सही तरीके से पता ना होने के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और काफी जानकारी ऐसी होती है जो आधी अधूरी होती है, तो उपयोग करते भी हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आज आपको कौड़ी का एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग बता रहा हूं, और अपने मेरे बताए तरीके से, क्योंकि मैं आपको पूर्ण विधि देने वाला हूं। आधी अधूरी विधि रहती है, कुछ भी मतलब कि डाल दिया जाता है यूट्यूब में, तो अब आजकल ऐसा हो गया कि कुछ भी डाल दिया जाता है, पूरी विधि नहीं बताई जाती है, तो आप लोग प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं आपको पूर्ण विधि के साथ में कौड़ी का एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं जो यदि आपने कर लिया तो आपके घर में मनी की बरसात कर देगा। ठीक है, कौड़ी जो होती है 14 रत्नों में से एक रत्न है। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी के साथ में कौड़ी का उद्गम हुआ था, तो एक रत्न है। ठीक है, जो मनी को अट्रैक्ट करता है, इसको अंदर मनी को आकर्षित करने की पावर होती है, लेकिन इसको सही तरीके से उपयोग किया जाए तब ये वर्क करती है। पूर्ण विधि के साथ में किया जाए तो ये 100% वर्क करती है। घर में जो मनी का लेवल होता है, मनी की एनर्जी का लेवल होता है, उसको ये बढ़ा देती है। तो आज मैं आपको कौड़ी के दो से तीन प्रयोग बता रहा हूं। एक तो आपको कौड़ी का प्रयोग करना है अपने खुद पर, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी आपसे हमेशा दूर रहेगी। दूसरा, आपको अपने घर को प्रोटेक्ट करना है कौड़ी के जरिए। कौड़ी जो होती है नेगेटिव एनर्जी को घर में एंटर होने से रोक देती है। और तीसरा, जो आपके मनी के फ्लो को बढ़ाएगा। ठीक है, आपके घर में जो भी मनी के एनर्जी ब्लॉकेजेस है, मनी के ब्लॉकेजेस है, उस सारे ब्लॉकेजेस को ये खोल देगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से यदि आप इस रेमेडी को कर लेते हैं, 100% आप देखेंगे कि कितने भी बड़े मनी चैलेंजेस हैं, आर्थिक संकट है, कर्ज है, ये आपके दूर होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी प्रयोग को करते हैं तो सबसे पहले विश्वास और आस्था बहुत जरूरी होती है। अगर विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो कोई भी रेमेडीज करेंगे रिजल्ट नहीं देती है। तो विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी होता है ना। पूरी दुनिया विश्वास से चल रही है, कोई भी रिश्ता है वो भी विश्वास से ही चल रहा है। आज आप भगवान को मानते हैं, भगवान को देखा नहीं है आपने, लेकिन विश्वास है कि भगवान है, तो भगवान को भगवान है, तो जब भगवान है तो भगवान की शक्तियां हैं, तो ये चीजें तो उन्हीं की एनर्जी है। रेमेडीज करेंगे तो भगवान की एनर्जी है ना। तो अगर कोई रेमेडीज करते हैं तो विश्वास ऐसे रखिए कि मतलब आप एक कर्म कर रहे हैं और कर्म का रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो पहला प्रयोग दोस्तों मैं बता रहा हूं कि आप इस प्रयोग को किसी भी शुक्ल पक्ष, कौड़ी का जो प्रयोग है, कभी भी आप शुरू करेंगे तो शुक्ल पक्ष में ही करेंगे। अब काफी लोगों को यह नहीं पता है कि शुक्ल पक्ष कब आता है, कृष्ण पक्ष कब आता है। अमावस्या से लेकर के 15 दिन जो न्यू मून होता है, यह आपका शुक्ल पक्ष होता है, और पूर्णिमा से अमावस्या तक यह आपका कृष्ण पक्ष होता है। तो आपको शुक्ल पक्ष से, ठीक है, किसी भी शुक्ल पक्ष से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको शुक्रवार के दिन में क्या करना है, शुक्र तो आप सभी जानते हैं कि भौतिक सुखों के कारक हैं, लग्जरीज के कारक हैं। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है ना। तो आप एक काम करें, एक कौड़ी लेकर के आए, कोई भी चीज बाहर से लाते हैं तो सबसे पहले उसको पवित्र जरूर कर लें। गौमूत्र से कर सकते हैं, कच्चे दूध से कर सकते हैं, गंगा जल से कर सकते हैं, या शुद्ध जल से। एक कौड़ी आपको पीली वाली लेनी है, ठीक है, इसमें आपको छेद कर लेना है, पहले पवित्र कर लें, छेद करने के बाद में इसमें काला धागा पिरो दें, और शुक्रवार के दिन में इसको अपने गले में धारण कर लें, अपने हाथ में धारण कर लें, या अपने पर्स में रख लें, मतलब आपकी बॉडी से हमेशा टच में रहे। जब तक ये कौड़ी आपके टच में रहेगी, आप लोगों ने देखा होगा पहले छोटे छोटे बच्चों को कौड़ी गले में डाल दी जाती थी नजर दोष से दूर होने के कारण। आजकल आप यदि किसी भी कार्य में प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लोग बागों की जलस होती है, नजर होती है, हाय होती है, बद्दुआ होती है, तो ये चीज आपको टच नहीं करेगी। तो ये प्रयोग आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पीली कौड़ी काले धागे में लपेट करके गले में पहन लें, बाजू में बांध लें, हाथ में, या फिर पर्स में रख लें। दूसरा, आपको घर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन में 11 कौड़ी लेकर के आइए, पीली वाली कौड़ी ही लेनी है। कौड़ी कई प्रकार की आती है, काली, सफेद, लाल, ठीक है, तो आपको पीली कौड़ी यूज करनी है। पीली 11 कौड़ी आप लें, इनको पहले शुद्ध पवित्र कर लें, उसके बाद में किसी काले कपड़े में लपेट करके, और आपको अपने जो मेन चौखट होता है वहां पर इसको परमानेंट आप बांध दीजिए। उसके बाद में देखिए आपके घर हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा, कभी किसी प्रकार की कोई नजर, हाय, बद्दू आपके घर को टच नहीं करेगी, कभी भी घर में आपको अशांति महसूस नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी घर में। अब तीसरा जो आपको बता रहा हूं, ये आपको धन प्राप्ति के लिए करना है, घर की जो आपकी जो एनर्जी है, मनी लेवल है ना, वास्तु की, उसको बैलेंस करने के लिए। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं
और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपको मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए। कोई भी आपके काम की जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। और यदि दोस्तों आप लोग अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, यदि किसी भी प्रकार का आपका प्लैनेट अनबैलेंस है तो बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है, तंत्र मंत्र किया करा, ऐसी कोई क्रिया है, काला जादू, कुछ हाई नजर बद्दू है, तो घर में बहुत ज्यादा ग्रह कलेश है, पति पत्नी में अनबन है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कैरियर में दिक्कत आ रही है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो ये हो सकता है आपके घर में किसी का तंत्र मंत्र किसी प्रकार की बंदिश हो। आप काफी उपाय कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, घर में किसी प्रकार का वास्तु अनबैलेंस होता है या तंत्र मंत्र की कोई बंदिश होती है, तो आप कोई भी उपाय करेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। या बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कोई भी रेमेडीज करेंगे, आपका जो प्लैनेट अनबैलेंस है वो आपको सक्सेस नहीं होने देगा। तो ऐसी कोई भी क्रिया आपके साथ में है और इसका सोल्यूशन मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है 100% उसका सोल्यूशन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। या किसी प्रकार की आपको विधि मुझसे करवानी है, किसी भी प्रकार की आपको अपने प्लैनेट को बैलेंस कराने के लिए कोई भी पूजा विधि मुझसे करवानी है, या घर को प्रोटेक्ट करवाने के लिए कोई विधि करवानी है, आपका वास्तु बैलेंस करवाना है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी शुक्रवार के दिन में, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, कोई भी शुभ काम करते हैं तो शुक्ल पक्ष शुभ माना गया है, तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन में आपको 11 कौड़ी पहले ला करके रख लेनी है, पीली कौड़ी आपको लानी है, और इसके साथ में आपको तांबे का एक सिक्का लेना है। तांबे का सिक्का बेस्ट रहेगा, आप नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं लोहे पीतल का, लेकिन तांबे का रिजल्ट बहुत अच्छा देता है, तो एक तांबे का सिक्का आपको ले लेना है। 11 आपको अखंडित चावल लेने हैं और 11 दाने लेने हैं आपको, जो चावल के ऊपर जो धान जिसे कहा जाता है छिलका लगा हुआ चावल, 11 आपको छिलका लगा हुआ चावल आपको लेना है, 11 दाना छिले हुए चावल और 11 बिना छिले हुए चावल, और 11 कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज, ठीक है। और इन सब चीजों को एक लाल कपड़े में आपको अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। संध्या समय इस प्रयोग को करेंगे आप, ठीक है, महिलाएं वृद्ध पुरुष सभी कर सकते हैं। शर्त वही रहती है कि नॉनवेज, अल्कोहल, शराब वगैरह नहीं पियेंगे इस प्रयोग को करने के लिए। अशुद्धि वाले दिन में महिलाएं नहीं करेंगी, 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है, ठीक है। लाल कपड़े में पटर लगाएं, लाल कपड़ा बिछाएं, उसमें सारी चीजें आपको सामग्री उसमें रख देनी है। अब आपको वहां पर क्या करना है, घी का दिया जलाना है, गुलाब का इत्र तैयार रखना है, गुलाब की अगरबत्ती और गुलाब का फूल, लक्ष्मी नारायण भगवान के फोटो के सामने इस प्रयोग को करेंगे, बहुत ही बेस्ट है। बैठे स्वरूप में विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी गरुड़ में या कमल में बैठे हुए हों, ऐसी तस्वीर स्थापित करके उनके सामने घी का दिया जलाएं, सामने पटर लगाएं, ये सारी सामग्री रख दें। अब इसमें आप थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध डाल दें, ठीक है, और इसको अभिमंत्रित करना है। ये सारी सामग्री लाने से पहले शुद्ध कर लें। मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी चीज अगर पवित्र सात्विक प्रयोग कर रहे हैं तो इनको शुद्ध करके ही करें, तभी ये रिजल्ट देते हैं। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ज्यादा प्रिय है तो स्वच्छता के साथ में इस प्रयोग को करें। नीचे आसन लगाएं, सिर पे कपड़ा रखें, ठीक है। अब आपको एक माँ लक्ष्मी का मंत्र जो है, मंत्र आपको मंत्रों के द्वारा इसको अभिमंत्रित करना है, ठीक है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, या ओम श्री श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मीआय नमो नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं 108 बार। अगर कमलगट्टी की माला से, रुद्राक्ष की माला से, स्फटिक की माला से या लाल चंदन की माला से, इससे बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा उंगलियों पर भी काउंट कर सकते हैं। गुलाब का इत्र छिड़क दें, गुलाब का धूप या अगरबत्ती का धुआं दिखा दें, घी के दिए से आरती उतार दें, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं सारे खुल जाएं, धन का अथाह प्रभाव आपकी जिंदगी में हो, अपार धन की प्राप्ति हो, उनसे प्रार्थना कर लें, ठीक है। अब एक चीज आपको इसकी पोटली बना लेना है। अब देखिए, आपका मोबाइल जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा से रिचार्ज करवाते हैं, तो इसको आपको रख करके छोड़ना नहीं है, इसको चार्ज करते रहना है आपको। यदि आप इसको धन स्थान में रखते हैं तो धन स्थान में रख दें, या पूजा स्थान में रखते हैं तो पूजा स्थान में रख दें, और नित्य प्रति जो जिस भी मंत्र से, दोनों मंत्रों से, जैसे ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ये वाला मंत्र, या ओम श्री श्री ललिता
महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी आय नमो नमः, इन दोनों में से जो भी मंत्र का आपने जाप करके इसको अभिमंत्रित किया था, नित्य प्रति आपको इसी मंत्रों के द्वारा 11, 21, 51 जो भी हो इसको चार्ज करते रहें। जितना ज्यादा इसको चार्ज करते रहेंगे मनी का फ्लो उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, पैसा चारों तरफ से आता जाएगा, पैसों से संबंधित कभी कोई काम नहीं रुकेगा आपका। लेकिन जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यदि आपके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम है, कोई ग्रह प्लैनेट अनबैलेंस है, तो रेमेडीज वर्क नहीं करती, या घर में किसी प्रकार की बंदिश है, तंत्र मंत्र टोना टोटका, किसी की नजर हाय बद्दुआ, ऐसी कोई कंडीशन होगी आपके घर में, ये वास्तु अनबैलेंस होगा, तो ये बैड एनर्जी कहलाती है। ये क्या करती है, पॉजिटिव एनर्जी को वर्क नहीं करने देती है। तो यदि आपको कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं कर रही है तो एक बार अपने घर का वास्तु चेक करा लें या अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करा लें। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कोई भी उपाय करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। बाकी मेरे जो क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये रेमेडीज दी है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, फीडबैक काफी अच्छा आ रहा है, इसलिए जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रसारित कर रहा हूं। ठीक है, तो पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिए, और कोई बात समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा। यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है तो आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं यहां से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं, घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, मेरे पास में जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जब आप लोग इस रेमेडी को करेंगे तो मेरे को उसका बिना कुछ किए लाभ प्राप्त होगा। ऐसे आप लोग जितने लोगों को इस जानकारी को शेयर करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं तो बिना कुछ किए इसका लाभ आपको प्राप्त होगा, तो घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, पुण्य कमाने का काम मिल रहा है ना, तो शेयर जरूर करें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। तो आज के लिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।